भंवरे बालू खादान रास्ते विवाद को निपटाने के लिए गठित हुई टीम। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भंवरे बालू खादान रास्ते विवाद को निपटाने के लिए गठित हुई टीम पखरपुर बहराइच बौड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भौरी में हो रहे बालू खादान के रास्ते के लिए ग्राम पंचायत भौरी में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे पूर्व विधायक के ओझा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट बहराइच पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए दिनेश चंद्रा ने SDM SN त्रिपाठी को इसके जांच सौंपी थी। SN त्रिपाठी ने मौके के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। दिनांक को ग्राम पंचायत भौरी में सतन निषाद के घर पूर्व विधायक के ओझा के SN त्रिपाठी SDM महसी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया बुझाया। ग्रामीणों का आरोप था कि बालू खादान कर रहे ठेकेदार अवैध तरीके से उनके खेतों में रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने काफी बढ़ चढ़कर विरोध किया था। इसी उपलक्ष्य में SN त्रिपाठी ने भौरी गांव का दौरा किया और खदान विभाग के रास्ते के निकासी के लिए लेखपालों की टीम गठित की, जिसमें लेखपाल चंद्र प्रकाश पांडे, ब्रजेश कुमार सिंह, उमेश पाठक व हल्का लेखपाल श्याम सुंदर को रास्ता विवाद सुलझाने के लिए निर्देशित किया गया। और SDM ने ग्रामीणों से बात करते हुए बताया कि किसी भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। बालू खादान निकासी के लिए रास्ता देने वाले किसानों को मुआवजा व प्रावधान है, हर किसान को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही SN त्रिपाठी ने बाढ़ एवं कटान से हुई त्रासदी पर भी चर्चा की और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विधायक के ओझा नवीन तिवारी, कैलाश नाथ, राम नरेश निषाद, रामदेव यादव, अशोक कुमार कैराती, राम मिलन वर्मा, सुनील कुमार समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।